हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के छठवें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बॉबिन होता क्या है, यानी ट्रांसफार्मर में जो बॉबिन लगाया जाता है उसका क्या महत्व है, यदि हम उसको न लगाएँ तो क्या होगा, यदि लगाते हैं तो क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यदि आपके पास कोई बॉबिन है तो आप उसका साइज कैसे नाप सकते हैं कि ये किस साइज की या फिर कितने इंच की या कितने नंबर की बॉबिन है, ये कैसे पता किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस चित्र को देखिए, इसको हम बॉबिन कहते हैं। और यदि हम वास्तविकता दिखाएं आप लोगों को कि ओरिजिनल में कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके का बॉबिन दिखता है। इस पर हमने वाइंडिंग वगैरह कर लिया है, पूरी तरह से ये कम्प्लीट है। इसके अंदर यदि हम कोर लगा देते हैं तो ये पूरा एक ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना है कि बॉबिन होता क्या है, क्यों लगाया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, यदि नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा। तो बॉबिन एक ऐसा आधार है, ट्रांसफार्मर का एक ऐसा आधार है जिसके ऊपर तार को लपेटा जाता है। वास्तविकता हम बताते हैं कि ट्रांसफार्मर में करना क्या होता है। देखिए, ये ई कोर होता है और ये बहुत सारा ई कोर है, हमने नट बोल्ट से इसको कस रखा है। तो मेन जो हमारा उद्देश्य होता है, तार को इस बीच वाले पर लपेटना। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस पर तार लपेटना बहुत मुश्किल का काम है, इसमें तार नहीं लपेटा जा सकता है। और इसके साइड से भी हमारा कोर होता है, यानी कि इसको बीच में से तार लपेटने की जो आवश्यकता होती है वो आप इस पर नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमको पहले एक बेस की आवश्यकता होती है, यानी कि आधार जिसके ऊपर हम तार को लपेट पाएँ और लपेटने के बाद इसके अंदर कोर को लगा दें। तो यही बेस होता है हमारा बॉबिन। फ्रेंड्स, इस बॉबिन को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए चलिए हम इसको प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो बॉबिन है, एक तो ये पूरी तरह से तैयार है जिसमें कि बैंडिंग वगैरह भी कर दिया गया है, और दूसरा ये है जिस को अभी तैयार करना है, यानी कि ये अलग अलग पार्ट इसके हैं। क्योंकि जब भी आप नया लीजिएगा तो कुछ इसी तरीके से आपको मिलेगा, और इसको हमें तैयार करना होता है, यानी कि बनाना पड़ता है ऐसा, और उसके बाद इस पर वाइंडिंग करना होता है। तो इसको बनाने का पूरा प्रोसेस जो है कि हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका जब ये तैयार हो जाता है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हम कैसे नापेंगे, या फिर यह किस साइज का बॉबिन है वो कैसे पता किया जाए। तो यानी कि सबसे पहले आप यह जानिए कि किसी भी प्रकार का जो बॉबिन होता है उसकी साइज को कुछ इस तरीके से नापा जाता है। जैसे मान लेते हैं इसका साइज हमने लिखा है 4×3, यानी कि यहाँ पर दो अंक है, बीच में गुड़े का निशान है। तो गुड़े का मतलब ये नहीं कि इनका दोनों का आपस में गुड़ा करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है, जो पहला वाला अंक है वह समझ लीजिएगा कि यह इसके कोर के नंबर को डिसाइड कर रहा है, यानी कि इस बॉबिन के अंदर कितने नंबर का कोर लगेगा, तो 4 नंबर का कोर इसमें लगने वाला है। और ये जो पीछे वाला है 3 जो है वह इसके लंबाई को डिसाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डिसाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 3 इंच होगी। आप यहाँ पर नाप करके भी देख सकते हैं। चलिए इसको हम नापते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए, ये 3 आप देख सकते हैं, पूरा पूरा ये 3 इंच का साइज है, यानी कि इसका जो लंबाई है वो 3 इंच है। वही ये पीछे जो लिखा गया है वो इसका लंबाई लिखा गया है, और यहाँ पर जो इसके बीच में लगने वाला है वह होता है कोर, और वह कोर कितने नंबर का लगेगा, तो 4 नंबर का लगेगा। हमारे पास एक कोर है जो कि 4 नंबर का है, इसके अंदर हम लगा करके देखते हैं। देखिए, बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है। तो यानी कि ये 4 नंबर का कोर के लिए 3 इंच का बॉबिन है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चले कि यह 4 नंबर का कोर है, तो उसके लिए हमने बता रखा है पहले ही आपको कि इसका आप लंबाई नापिएगा। यहाँ पर हम लंबाई नाप रहे हैं तो 4.5 इंच जो है कि इसमें दिखा रहा है, शायद आपको ये चमक रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 इंच दिखा रहा है। तो सबसे पहला जो चार्ट आपको बताया गया है इस कोर्स का, जिसमें हमने यह बताया था कि कोर नंबर कैसे पता करें, इसको देख करके आप कैसे पता करें कि यह कितने नंबर का है, तो इसकी लंबाई को नापा जाता है। और नापने के बाद हम चार्ट में देख लेते हैं
कि 4.5 इंच लंबा जो कोर है वो कितने नंबर का है, आप चार्ट में पता लगा लेंगे। तो ये 4 नंबर का कोर है और ये जो है कि 3 इंच है। तो अभी जो है कि इसका साइज आप अब निकाल लेंगे और यहाँ पर जो ये 4 × 3 है या 7 × 3 होगा या 8 × 5 हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, तो आप उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो पहला अंक है इस बॉबिन के लिए नंबर डिसाइड कर रहा है और जो दूसरा अंक है इसका जो ये लंबाई है वो डिसाइड कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम करते हैं साइड में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस नए वाले बॉबिन को फिट करना सीख लेते हैं कि किस तरीके से इसको असेंबल किया जाता है, यानी बॉबिन पूरी तरह से तैयार किया जाता है। जब तैयार होगा तभी इसके ऊपर बैंडिंग हो सकता है। तो इसको तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम ये दो हिस्सों को पकड़ेंगे जो चौकोर वाला है। इस तरीके से हम इनको पकड़ के मिला लेंगे, चाहे वो इस तरीके से मिलाइए, चाहे इसी तरीके से मिलाइए, किसी भी तरह से मिला सकते हैं, बस ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से मिला करके ऐसे पकड़ लीजिए। उसके बाद जो है कि इसको साइड में रखते हैं और इस चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर ये दो हिस्सा कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप चित्र में देखते रहिए और इसी तरीके से आपको करना है। तो इनको भी इस तरीके से आप मिला लीजिए, यानी एक साइड इनको रख लीजिए और ये जो दो हिस्से हैं इनको अभी हम साइड में करते हैं। अब जो है चलिए हम इसको यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम ऐसे फैला लेंगे और यहाँ पर ये चीज़ एक को हम यहाँ पर फंसाएंगे और फंसाने के बाद हम इसको पूरी तरह से साइड में कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम इसको हमने यहाँ पर मिला दिया और इस वाले हिस्से को भी हमने यहाँ पर मिला दिया है। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि यहाँ का दूरी भी ठीक हो जाए और इसको भी हम ऐसे एकदम सटा देंगे। तो एक हिस्सा तो हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। दूसरे वाले को भी हम इसके अंदर डालेंगे और आप इसको आसानी से डालना चाहते हैं तो इसको ऐसे तिरछा ही डालिएगा, आसानी से ये पड़ जाता है। और उसके बाद जो है कि हम इसको इस तरीके से साइड में एकदम किनारे पर सटा देंगे और ये वाले हिस्से को भी, यानी इधर वाले हिस्से को भी हम ऐसे सटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है कि ये जो दोनों हिस्से थे एकदम फिट हो गए हैं। ये बीच में जो दोनों पार्ट है इसको डालने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ये उभरा हुआ निशान आपको दिख रहा होगा, ऐसे उभरा हुआ निशान दिख रहा होगा और इसमें ध्यान से देखें तो ये कटा हुआ निशान है। तो बस आपको करना क्या है कि जो ये उभरा वाला निशान है इसको आपको इस कटे वाले निशान के ऊपर रखना है। तो आप इसको ऐसे रख लीजिएगा और रखने के बाद, और ये वाला हिस्सा जो है कि थोड़ा नीचे ही रखिएगा, पहले एक वाले हिस्से को फिट कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा जो है कि आप नीचे से दबा करके ऊपर करना है। जैसे इस तरीके से हम नीचे से इसको दबा के ऊपर की तरफ लाएंगे, ऐसे देखिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल फिट बैठ गया है और इधर भी यह बिल्कुल सही से बैठ गया है और इस साइड आप देखें तो यह भी क्या है, बराबर है, और इधर भी देखें तो ये बराबर है। अभी जो है कि हमारा एक हिस्सा यहाँ वाला लगाना बाकी है, तो इसको हम जो है कि उसी तरह से लगाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कटा हुआ निशान है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये कटा हुआ निशान थोड़ा सा उभरा है आगे की तरफ है और इधर भी थोड़ा सा निकला हुआ है। और उसी तरह से यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये कटा हुआ है, अंदर की तरफ गया हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ गया हुआ है। आपको करना क्या है कि ये जो उभरा हुआ भाग है इसको आपको यहीं पर रखना है, कटे हुए निशान पर रखना है। और रखते समय ध्यान रहे कि ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा आपको नीचे रखना है और एक को जो है कि यहाँ पर रखना है। तो इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर देखिए एकदम बराबर में रख करके आप नीचे से इस चीज़ को उठाइएगा, नीचे से धीरे धीरे दबाएंगे, ऐसे देखिए फिट हो गया। तो बहुत मुश्किल का काम नहीं है, बहुत आसान है। यदि आप इस चीज़ को समझे होंगे तो आपको पता चल पाया होगा कि यह बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। थोड़ा सा हम बताने में थोड़ा समय लिए हैं लेकिन यह जो है कि जितना में हमने बताया उससे कम समय में आप इसको असेंबल कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि ये तैयार जब हो गया तो ये कितने इंच साइज का है, यानी कि कितने इंच इसका लंबाई है।
आप इसके लंबाई को नापने के लिए क्या करेंगे, ये उभरा हुआ भाग जो है, यहाँ पर जो ये उभरा वाला भाग है इसको नहीं नापना है हमको, ये जो समतल वाला भाग है इसको नापना है। तो इसको नाप करके देखते हैं कि कितना जो है कि ये लंबा है। थोड़ा सा हम लाइट इसका बंद कर देते हैं, ऐसे देखिए, शायद अब आपको समझ में आए। हमारे हिसाब से यह 2.5 इंच का है, यानी कि 2.5 इंच का है। यहाँ पर बीच में देख सकते हैं 3 और 2 के बीच में जो बड़ी लाइन है वहाँ तक का दूरी यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि ये 2.5 इंच लंबा है। और यदि हम इसको कहें कि कौन सा कोर लगेगा, तो हमने 4 नंबर कोर के लिए ही इसको मांगा था, 4 नंबर ही लगेगा। यदि आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा कोर लगेगा, तो आपको क्या करना है, इसके जो चौड़ाई है इसको आपको नापना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है 1.5 इंच। अब यहाँ पर आपको जो पहला चार्ट हमने दिया था, उस चार्ट में हमने ई कोर के सेंटर पार्ट की लंबाई लिखा हुआ है, यानी इस वाले का लंबाई जो है हमने पहले वाले चार्ट जो दिया था उसमें लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि उसमें 1.5 इंच लंबा किसका जो है कि सेंटर पार्ट की लंबाई दिखा रहा है, तो उसको सीधे सीधे आप देखेंगे चार्ट में, तो आपको 4 नंबर कोर समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से आप समझ जाएंगे कि इसमें जो है कि 4 नंबर कोर लगेगा, यानी कि यह भी जो बॉबिन है वह 4 नंबर कोर के लिए ही है, और इसकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच है। यहां पर हमने इसमें लंबाई नापा था तो ये 3 इंच था, लेकिन यह जो है 2.5 इंच है। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि आपके पास एक बना बनाया पूरी तरह से ट्रांसफार्मर है, या वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, उसका यदि आपको साइज नापना है तो आप कैसे नापेंगे कि वह कितने साइज का उसके अंदर बॉबिन लगा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बॉबिन की जो लंबाई है नापने के लिए आप इसका मोटाई नाप लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉबिन कितने इंच लंबा है और ये कितने नंबर का कोर है। तो आपको ऐसे इसका लंबाई नाप लेना है, यानी कोर की लंबाई को नाप करके आप हमारे जो चार्ट हमने दिया है उस चार्ट से आप उस चीज़ को मिला लीजिए कि कितने नंबर का कोर जो है कि वह है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में बॉबिन से संबंधित हर एक जानकारी आपको दे दिया है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम जो बॉबिन का साइज वगैरह तो निकाल लिए, अब हम यह कैसे पता करें कि इस बॉबिन पर कितने केवीए का ट्रांसफार्मर तैयार होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, यानी कि हमारे इसी कोर्स में 1x1 करके जो वीडियो आ रही है उसमें सब कुछ बताया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ट्रांसफार्मर या स्टेबिलाइजर के बारे में कुछ छोड़ने वाले हैं, सब कुछ जो है कि आपको बताएंगे। ये साइज में आपको कितने केवीए का ट्रांसफार्मर बनाना है, या फिर आपको 5 केवीए का ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसके लिए आप कौन सा बॉबिन साइज इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें आपको सब कुछ कि बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप अपने सवाल को लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।